आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अहमदाबाद से ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दीपक रावत ने इस योजना का हरिद्वार में भी शुभारंभ किया। इस योजना का असंगठित श्रमिकों जैसे ऑटो रिक्शा श्रमिक, कुली, घरेलू श्रमिकों को लाभ मिलेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है और जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए है। 18 से 40 साल की उम्र के ब्रैकेट में जो होंगे वो इसके लिए अहर हैं और सबका जो अलग अलग जो पैसा, जो कंट्रीब्यूशन मंथली कटना है वो एज के हिसाब से डिसाइड होगा। तो कुछ लोग के 60 रुपये कट रहे हैं, कुछ के 80 कट रहे हैं, कुछ के 120 भी कट रहे हैं, उतना ही अंशदान सरकार भी देगी। और उसके बाद जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो ये पेंशन आपको मिलने लगेगी जो 3000 रुपये होगी। बहुत अच्छी स्कीम है। हरिद्वार में आप जानते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर लेबर का, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पे हमारे श्रद्धालुगढ़ भी आते हैं, कई जगहों से आते हैं। तो चाय के ठेले हैं, हमारे बैटरी के रिक्शे वाले हैं, राजमिस्त्री हैं, हमारे मनरेगा के श्रमिक हैं, इन सबको इससे बहुत लाभ होगा। और आज इसको अभी हमने विधिवत यहाँ पे इसका शुभारंभ तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मतलब नेशनल लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट में किया गया जिसमें कि अभी 1000 रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं। और मेरा अनुरोध है यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट से, हमारे सभी SDM से, कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार होना चाहिए और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। 12 दिन से इस काम पे लगे हुए थे और आप देखेंगे लगभग जो है करीबन हमारे 520 हमारे जो कैंप लगे हुए थे, लगातार कैंपों के माध्यम से हमने जो है जनजागरण अभियान चलाया और असंगठित क्षेत्र के मजदूर को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने का काम किया, जिसमें आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सभी लोगों को जो है उनके जो पहचान पत्र हैं वो वितरित किए गए और विस्तारक जानकारी दी गई कि भाई आप जब इस आयु में आ जाओगे, उस आयु के आने के बाद में आपको जो है इतना लाभ होगा, इतने पैसे की आपकी किस्त बनेगी। मैं समझता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है इसको जो है व्यक्तिगत रूप से लिया गया, ये एक बड़ी सराहनीय बात है और अब आज से इस काम में और तेज़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो रेड़ी पटरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की जो ये जन कल्याणकारी योजना है इससे सीधा सीधा लोग जुड़ेंगे। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर, उसको लगता है कि निश्चित रूप से कहीं जहाँ पर जो है सरकार का प्रतिनिधि DM होता है, DM उसे सम्मानित कर रहा है। क्या योजना है और क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? देखिए, भारत सरकार की ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर को पेंशन की योजना है। आपने देखा होगा संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए तो पेंशन थी, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी। ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ये योजना दी गई है और मैं समझता हूँ कि असंगठित क्षेत्र का मजदूर जो जगह जगह बिलकता रहता था, धक्के खाता रहता था, लेकिन अब वो सम्मान से अपना जीवन जी सकेगा और 50 वर्ष की आयु होने के बाद में जब उसे 3000 रुपये उसको उसके खाते में जाएंगे और पेंशन के रूप में उसको अनुदान मिलेगा, मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा।